एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने लाया है सुहाना का शीर खुरमा मिक्स, यानी कि इंस्टेंट डेजर्ट है। मैंने ये इसे डीमार्ट से परचेस किया है। तो मैं आज इसका रिव्यू आपको देने वाली हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका नेट वेट जो है वो 150 ग्राम है और इसकी जो प्राइस इन्होंने यहाँ पे लिखी है 75 रुपीज़। बट मैंने इसे डीमार्ट से परचेस किया है तो मुझे ये 55 रुपीज़ में मिला है। तो ये है इसके बैक साइड। तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है कुकिंग टाइम जो है वो 20 मिनट्स का है। हम 4 से 6 लोगों को सर्व कर सकते हैं। तो इसे बनाने की विधि उन्होंने लिखी है वो मैं बताती हूँ। 3 बड़े चम्मच घी गरम करें और सुहाना शीर खुरमा मिक्स डालकर 1 मिनट तक भून लें। सेकंड स्टेप है उसमें 1 लीटर दूध डालकर अच्छे से मिलाएं। थर्ड स्टेप है मध्यम आंच पर 15 से 20 मिनट तक या मनचाहा गाढ़ापन मिलने तक उबालें और गरम गरम परोसें। और बहुत ही सिंपल टेक्निक है, तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो इंग्रेडिएंट हम जानते हैं, इसमें है शुगर, वर्मिसाइल, कैशनट्स, आलमंड्स, ड्राई डेट रेजिन्स, पिस्ता, कोकोनट मिल्क, सॉलिड्स, ग्रीन कैडमम एंड रोज पेटल्स। और इसमें शुगर भी ऐड है तो इसलिए हमें शुगर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए मैंने घर का शुद्ध देसी घी लिया है, ये मैंने घर पर बनाया है। और ये है 1 लीटर दूध। और इस पैकेट के अंदर हमें ये पाउच मिला है। अभी हम इस पाउच को काटते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें है सेवई, ये है काजू बादाम और खारी पिस्ता के सब ड्राई फ्रूट जो होते हैं उसको उन्होंने क्रश कर लिया है। तो चलिए अभी हम बनाते हैं इस शीर खुरमे को। नेक्स्ट अभी मैंने पतीले को गरम कर लिया है और उसमें मैं देसी घी डालने वाली हूँ। आपको जितना डालना है आप उतना डाल सकते हो। मुझे घी ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा घी डाल रही हूँ। उसके बाद इस मिश्रण को मैं घी में डालूंगी। तो मैं इस मिश्रण को अच्छी तरीके से भून लूंगी। मैं इसमें और ज़्यादा घी डालने वाली हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है वो इनफ होगा घी। फिर से हम स्टिर करेंगे। नेक्स्ट अभी मैं 1 लीटर दूध डालने वाली हूँ इसमें। और फिर से स्टिर करूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा जो शीर खुरमा है वो बनके तैयार है। और मैं अभी टेस्ट करती हूँ और उसके बाद आपको रिज़ल्ट बताती हूँ इसके। तो मैंने अभी जस्ट इस शीर खुरमे को टेस्ट किया और मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। मेन थिंग ये है कि ये ज़्यादा मीठी नहीं है, यानी कि मीडियम मीठी है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा।